हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आई होप आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपको मेरे एक न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो में। पिछले ब्लॉग वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया था, आशा करता हूँ आप इस ब्लॉग वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दोगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे गाँव का किसान कॉल सेंटर और मशरूम का प्लांट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, हमारे वहाँ किसान कॉल सेंटर है, यहाँ पर आपको किसान से संबंधित सारी सामग्री मिल जाएगी, जैसे कि खेती के बीज, दवाइयाँ, उर्वरक दवाइयाँ और फावड़ा, कुदाल। यह है किसान कॉल सेंटर का बोर्ड। यहाँ पर हमारे नविंदा हैं और यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं किसान कॉल सेंटर के। यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा नविंदा? सभी प्रकार की उचित व्यवस्था है, कुदाल है, दराती है और दवाइयाँ हैं और बाकी अन्य काम मैं करता हूँ। हाँ। इंश्योरेंस करता हूँ। अच्छा। और बीमा करवाता हूँ खेतों का। अच्छा अच्छा। और उसमें आप लोगों को, किसान लोगों को भी कुछ फायदा हो जाता है। अच्छा। और गांव-गांव में जाते हैं हम लोग। बाकी दवाइयाँ बेचते हैं, मड़ुआ बीज आ रखा है, भी धान आ रखे हैं। अच्छा, यहाँ से मतलब कोई भी ले सकता है? कोई भी? हाँ, कोई भी ले सकता है, ये दुकान है। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि शर्ट वाले नहीं लेंगे या कंगना सो के, मतलब कोई भी आ सकता है यहाँ से? कोई भी आ सकता है, हम सबको बेचना। अच्छा, किसान से संबंधित सारी वस्तुएं मिल जाएंगी? हाँ, किसान संबंधित सारी वस्तुएं हम पे उचित व्यवस्था पे यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद फिर नविंदा आपका। धन्यवाद। यहाँ पर नविंदा हमारे किसान सम्मान निधि के फॉर्म भर रहे हैं। इनके पास ढेर सारा फॉर्म आए हैं, इन्हें सारे खुद ही भरने पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है इन फॉर्म को भरने में, पूरा अपना काम पे लगे हैं वो। और यहाँ पर सारी प्रकार की आपको किसान से संबंधित सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। एक बार अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से, कोई भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सल्ट का है, कंगला सो का है, कहीं का भी है, मतलब सब ले सकते हैं यहाँ से। किसान कॉल सेंटर का बोर्ड है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, सब कुछ है। सारी दवाइयाँ, सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल जाएंगी आपको। दोस्तों, हमने मशरूम के प्लांट के ओनर से बात करी, हमने उनसे पूछा कि हम आपका मशरूम का प्लांट देख सकते हैं। उन्होंने फिलहाल तो मना कर दिया क्योंकि मशरूम अभी पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है। जब भी मशरूम पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगी उसके बाद ही वो हमें दिखा सकते हैं। जब मशरूम पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे उसके बाद ही वो हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि कई लोग उसके अंदर गए जिस कारण उनके आधे मशरूम बर्बाद हो गए थे। मशरूम के प्लांट के अंदर ऐसे ही कोई नहीं जा सकता क्योंकि मशरूम को पॉइजन लग जाता है जिस कारण वो ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, मैं और लक्की भाई अब मार्केट जाने वाले हैं, सीधा आपको ले चलते हैं उतरोज खान मार्केट को। चलिए आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। Through the wastelands, through the highways, and on and on.
just the thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder, see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. मार्केट में हम बाल काटने और सामान लेने के लिए आए थे। सामान हम ले चुके हैं, बाल मैंने काटे हैं, अब लक्की भाई बाल काट रहे हैं। तो इसके बाद सीधा घर को चलते हैं। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं हमारे ग्राउंड में, जहां हमारे भाई लोग रनिंग करते हैं और वर्कआउट करते हैं। हमारे ग्राउंड के आसपास एक टेंपल भी, आपको टेंपल भी दिखाएंगे। चलिए अब सीधा आपको मिलते हैं ग्राउंड में। दोस्तों ये है हमारे मंदिर को जाने वाला रास्ता, और ये सामने बोर्ड लगा है हमारे मंदिर का, श्री बाके बिहारी मंदिर तल्लीगट्टी। और सामने से एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर भी पूजा करने के लिए आते रहते हैं लोग। चलिए अब सीधा आपको मंदिर की और ग्राउंड की ओर ले चलते हैं। चुके हैं हमारे मंदिर पर, लेकिन यहाँ पर कोई वर्कआउट करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आज कोई भाई लोग रनिंग और वर्कआउट करने नहीं आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपको हमारा मंदिर दिखाते हैं। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का मंदिर है।
ये है श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति और राधा रानी की मूर्ति। यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों, हमारे भाई लोगों ने देसी जुगाड़ वाले डंबल बनाए हैं, सीमेंट और लोहे के पाइप के। देख रहे हो भाई लोगों की क्रिएटिविटी एकदम गॉड लेवल है। और भी दिखाते हैं आपको। भाई लोगों ने बांज के पेड़ में एक लोहे का पाइप फंसा रखा है। देखिए जरा क्या क्रिएटिविटी है भाई लोगों की। एकदम मेहनत करके बनाए हैं भाई लोगों ने अपने लिए, जिम करने के लिए। यह है हमारे भाई लोगों का रनिंग ग्राउंड। भाई लोग यहाँ रनिंग करने के लिए रोज़ आते हैं, लेकिन आज नहीं आए। कोई बात नहीं, भाई लोगों के बिना ये रनिंग ग्राउंड वैसे तो सूना लग रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको रनिंग ग्राउंड का नज़ारा। हमारे भाई लोग इसमें गोल चक्कर लगाकर रनिंग करते हैं। दोस्त, मंजिल अभी बहुत दूर है, रास्ते में कई कठिनाई आएगी, मुझे उसे पार करके आगे की ओर जाना होगा। यह सब आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कभी नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि एक दिन आपके प्यार और सपोर्ट से मैं मंजिल की ओर जरूर पहुंचूंगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है।